भागलपुर नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर एवं सभी वार्ड पार्षदों ने आज कमान संभाल ली। नगर आयुक्त ने नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डेप्यूटी मेयर डॉक्टर सलाहुद्दीन को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। उसके बाद सबों ने अपना परिचय दिया। सबसे पहले नगर आयुक्त ने सभा को संबोधित करते हुए भागलपुर के विकास की बात कही। वहीं मेयर व डिप्टी मेयर ने भागलपुर की प्रगति के बारे में एक बैठक कर उस पर जल्द कार्य करने की बात कही। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि अभी तक सिर्फ भागलपुर वासियों को सांत्वना मिला था, लेकिन अब काम दिखेगा। हमें उम्मीद है सभी पार्षद हमें सहयोग करेंगे, साथ ही जनता का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से भागलपुर प्रगति करेगा और स्वस्थ व स्वच्छ भागलपुर तैयार होगा। हम लोग एक दूसरे का परिचय लिए और एक दूसरे के बारे में जाने, काम की शुरुआत होगी, बैठेंगे, अपने चेंबर में जाएंगे, मीटिंग होगी, उसका डेट फिक्स होगा कि कब से, अभी मेरा चेंबर तैयार नहीं हुआ है, चेंबर तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग बैठेंगे और जिस दिन बैठेंगे उसी दिन हम लोग मीटिंग करेंगे और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं मीटिंग की वो सारी पूरी करेंगे। उसमें हमारे महापौर रहेंगे, नगर आयुक्त साहब रहेंगे और हमारे जितने भी पार्षद हैं सब लोग रहेंगे। भागलपुर वासियों को आश्वासन पर आश्वासन मिलता है लेकिन वहाँ तक धरातल पर काम नहीं उतर पाता है, इस पर क्या कहेंगे? अब बागडोर आपके हाथ में है, आगे आगे देखा जाए। अभी तो प्रभार लेने वाली हूँ मैं और देखिए क्या होता है, अच्छा ही होगा कुछ। आज देखिए आप लोग जान रहे हैं चुनाव के बाद जो शपथ का कार्यक्रम था, शपथ कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात आज महापौर महोदया द्वारा और उप महापौर उनका जो है यहाँ पर ऑफिस का भ्रमण भी किया गया और सभी पार्षदों का भी एक जो है वो गैदरिंग है, यहाँ पर गेट टुगेदर है, लोग एक दूसरे से जो है अपना परिचय भी दे रहे हैं। तो ये शुरुआत है और हम लोगों को जो आगे का हम लोगों की जो उसकी वो रहेगी रूपरेखा वो यही रहेगी कि सभी लोगों का बैठक होगा, बैठकों में सभी का सुझाव लिया जाएगा। स्पेशली जैसा अभी आपने सुना कि हर पार्षद का कुछ ना कुछ कहना है, हर वार्ड में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है तो हर वार्डों की समस्याओं को लेके उनको सामने रख के कैसे हम लोग जो है उसमें कार्य करें और जो भी काम हो वो टाइम बाउंड हो। कई बार होता है कि समस्याएं रह जाती हैं और वो समय निकल जाता है, तो सामंजस्य आपस में ठीक बैठे, मीटिंग्स हों, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो पाए, उनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो पाए, इसका हम लोग जो है वो प्रयास करें। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के शांति नगर गंगा नहर पंप हाउस के नजदीक के रहने वाले सोनू कुमार उर्फ प्रेम राज के घर में छापेमारी के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। एसटीएफ की टीम ने सोनू कुमार के साथ साथ बिट्टू कुमार उर्फ मोहम्मद अनवर खान, मोहम्मद निराज अंसारी सहित चंद्रशेखर यादव को हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया। वहीं 10 अर्धनिर्मित पिस्टल सहित हथियार बनाने की सामान भी बरामद किए गए हैं। लेथ मशीन, ग्राइंडर मशीन सहित भारी संख्या में हथियार बनाने के काम आने वाले लोहे को बरामद किया गया है। पुलिस अब गिरफ्तार अपराधियों से उनके अन्य सहयोगियों के बारे में पता करने में जुटी हुई है। हम आपको बता दें कुछ दिन पूर्व ही नाथनगर थाना क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन एसटीएफ के द्वारा किया गया था लेकिन हथियार बनाने वाला वहां से फरार हो गया था जिसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस तथा एसटीएफ टीम द्वारा एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है जिसमें भारी मात्रा में मिनी गन बनाने का सामान बरामद हुआ है, साथ ही साथ 10 अर्धनिर्मित पिस्टल मिला है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में युवाओं को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने हेतु लघु फिल्म लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा का लोकार्पण रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार के हाथों सत्यम वेब स्कूल में छात्रों और अन्य गणमान्य लोगों के बीच किया गया। ज्ञात हो कि इस फिल्म के निर्माता डॉक्टर अजय सिंह एवं उनकी संस्था जीवन जागृति सोसाइटी सड़क दुर्घटना पर कार्य करती है। डॉक्टर अजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि यातायात नियम सभी जानते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए और यह दुर्घटना होने पर जान बचाता भी है, लेकिन फिर भी लोग हेलमेट नहीं पहनते और हजारों नहीं लाखों लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गलत ड्राइविंग एवं सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण चली जाती है। उनमें से ज्यादा मौत कम उम्र के नौजवानों की होती है। इस फिल्म में दिल को छू देने वाले
अंदाज में दिखाया गया है कि हेलमेट नहीं पहनने का सिर्फ दोष युवा वर्ग पर नहीं डाल सकता, बहुत हद तक अभिभावक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस फिल्म में बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए सुनिश्चित कर पाए इसका उपाय भी बताया गया है। इस फिल्म को देखने के बाद उम्मीद है कि युवाओं के साथ साथ अभिभावकों में भी जिम्मेदारी का एहसास होगा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ गाड़ी खरीद कर देने पर ही खत्म नहीं हो जाती, उनकी जिम्मेदारी वहाँ तक होनी चाहिए कि बच्चे सुरक्षित ड्राइविंग करें। उन्होंने कहा कि यह फिल्म निश्चित तौर पर हेलमेट पहनने वालों की संख्या में इजाफा करेगी। इस फिल्म के निर्माण का कॉन्सेप्ट एवं पटकथा खुद डॉक्टर अजय सिंह ने लिखा है, जबकि छायांकन संपादन एवं निर्देशन अमित राज ने किया है। मुख्य भूमिका में डॉक्टर अजय सिंह, मशहूर चार्टर अकाउंटेंट एवं समाज सेवी प्रदीप झुनझुनवाला, सीमा चंद्रा, कुमार गौरव एवं डॉक्टर प्रणब कुमार ने अभिनय किया है। भागलपुर के बरारी हाउसिंग कॉलोनी में इस शॉर्ट फिल्म को फिल्माया गया। फिल्म के लोकार्पण के पश्चात आशीष हरिओम के द्वारा फर्स्ट एड और CPR के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता डॉक्टर संजय कुमार के अलावा सत्यम वेब के निदेशक राजेश कुमार, राकेश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह, आभा पाठक, संबित कुमार, आशीष हरिओम, रजनीश एवं सैकड़ों छात्र उपस्थित हुए। CPR का कार्यक्रम था, साथ ही जीवन जागृति सोसाइटी के माध्यम से मेरे द्वारा लेखन किया हुआ और अमित जी के निर्देशन में एक फिल्म बनी है सड़क दुर्घटना में हेलमेट जागरूकता को लेकर, उसका लोकार्पण हुआ और हुआ किया रोटरी के प्रेसिडेंट फेमस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय कुमार के हाथों से। इसमें हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि गाड़ी तो बच्चों को दे देते हैं लेकिन वो मौत का सामान बन जाता है, बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, वो हेलमेट पहनने का वादा तो करता है लेकिन पहनता नहीं है और आप धीरे धीरे उसको ढील छोड़ देते हैं और ऐसे में वो दुर्घटनाग्रस्त शिकार होता है और यदा कदा आज यहाँ कल उसके घर में कल उसके घर में बच्चों की मौत हो जाती है और कोहराम मच जाता है। तो इसमें हम लोगों ने संदेश दिया है कि इस तरह की गलती नहीं करें और वो वीडियो आप खुद देख कर समझें कि क्या करना है। और दूसरे तरफ वो उसमें जो लाठी शब्द का उपयोग है वो लाठी पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और ऐसे नवयुवक के लिए ज़रूरी है। यह लाठी है सावधानी की लाठी, जागरूकता की लाठी, इसको थाम के रखें ताकि आपको आपके भविष्य में आपके बच्चे के लिए दुखी नहीं होना पड़े। तो यही आज फिल्म का है और फिल्म का शीर्षक है लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा। तो इसको ज़रूर देखें और इसको जरूर से जरूर फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक और बच्चों तक यह संदेश पहुंचे कि क्या है लाठी बरसेगा और जिंदगी चहकेगा। काफ़ी अच्छी थी और हमें ऐसी चीज़ सिखाई गई कि जब भी हम बाहर जाएं कहीं किसी भी जैसे हाईवे या कोई भी छोटे मोटे जगह जैसे कुछ भी सब्जी लेना छोटा मोटा तो हमें सब्जी पहनना बहुत ज़रूरी है। और पहले अगर हम लोग बड़े आदमी को पहले हेलमेट पहनना सीखना होगा उन्हीं से छोटे बच्चे को प्रेरणा मिलेगी कि वो भी हेलमेट पहने। इस फिल्म से हमें यही सीख मिली बाइक चलाते वक्त किसी वाहन चलाते वक्त हमें पूरे सेफ्टी से चलाना चाहिए। बाइक चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट हमेशा लगाना चाहिए। फिल्म कैसा लगा? फिल्म बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सीख मिला। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह अपर जिला न्यायाधीश सह लोक सूचना पदाधिकारी व सचिव ज्योति कुमारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित किया जाएगा जिसमें उम्मीद है कि कई बेंच बनाकर सैकड़ों वादों को निष्पादित किया जाए जिसमें भागलपुर सहित नौगछिया व कहलगांव के न्यायालय में अभी से जागरूकता प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमारी ने यह भी बताया कि उम्मीद है पिछले साल से ज्यादा केस का निष्पादन इस बार किया जाएगा। इस वर्ष के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामले, परिवार में कलह जैसे मामले, बिजली से जुड़े मामले के अलावे कई अन्य वादों का निष्पादन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपाध्यक्ष जिलाधिकारी भागलपुर व सचिव वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा व्यवहार न्यायालय भागलपुर के वैस में विधिवत उद्घाटन से किया जाएगा जिसमें शहर के कई गणमान्य एवं जुडिशरी से जुड़े लोग, अधिकारी व अधिवक्ता रहेंगे।
केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित आजादी के अमृतोत्सव में भागलपुर के डॉक्टर चैतन्य प्रकाश को भी नाट्य प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया गया था। 13 जनवरी से 15 जनवरी तक उक्त कार्यक्रम लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस अमृतोत्सव का आगाज भागलपुर के डॉक्टर चैतन्य प्रकाश निर्देशित एवं राघवेंद्र प्रताप सिंह लिखित नाटक रंगराग से ही हुआ। जीता नामक बहुरूपी के सती होने की कहानी को भावपूर्ण तरीके से व्यक्त करता हुआ यह नाटक लखनऊ में दर्शकों के जेहन में अमीट छाप छोड़ गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में बिहार से सिर्फ रंग राग नाटक को ही आमंत्रण मिला था। जी, संगीत नाटक अकादमी अभी पूरे देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर अमृतोत्सव का कार्यक्रम कर रही है और इस सिलसिले में ये इम्फाल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम की तरफ और कई जगहों, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कई जगहों से ये कार्यक्रम करते हुए लखनऊ में आके आई और यहाँ पे भी 3 दिवसीय कार्यक्रम था आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर में, जिसमें कि पहली प्रस्तुति मेरी थी रंग राग, ये एक नाटक है और मुझे लगता है बिहार से यूपी में सिर्फ ये मेरी प्रस्तुति थी। ये कहानी है एक सती की, राजस्थान की एक लोक कथा है सती का स्वांग, जिसमें सत्ता के चक्रव्यूह में फंसकर एक भाड़ कलाकार बहुरूपिया किस तरीके से सती हो जाता है, यानी कि राजसत्ता के चक्रव्यूह में फंस के उसे विवश होकर सती होना पड़ता है और वो अपने पेशे की गरिमा और ऊंचाइयों के लिए, सच्चाई के लिए स्वयं अपनी जान दे देता है, सती हो जाता है। तो यही कहानी है, रंग राग इसका नाम है और रंगों का राग है, रंग मंच के रंगों का राग, लोक गाथाओं का राग, कई शैलियों का मिश्रण है, एक तरह से इसे आप एक कथा गायन कह सकते हैं। जी, ये 7 लोगों की टीम थी हमारी यहाँ से और चूँकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में 40 वर्ष से कम उम्र के जो युवा निर्देशक हैं उनके लिए ये पूरे बिहार भारत में आयोजित किया जा रहा है, उन्हें मौका देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो 7 लोगों की टीम थी, सब लोग युवा थे, यंग थे, जिसमें कि 3 अभिनेता थे, जिसमें मैं स्वयं, चैतन्य प्रकाश, साहिल राज, खुशी कुमारी, और संगीत पर थे मिथिलेश कुमार, आयुष चक्रधर, और तबले पर आयुष थे, और प्रकाश व्यवस्था संभाल रहे थे आलोक राज। तो ये 7 लोगों की टीम थी हमारी। बहुत अच्छा, देखिए जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं जहाँ के आप नहीं हैं और आप उस शहर में जाकर सेंध लगा रहे हैं वहाँ की कला संस्कृति में या किसी भी क्षेत्र में, तो आपसे अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं होती बल्कि आप में कमियों को ढूंढा जाएगा। लेकिन हम लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी थे कि हमारी कमियाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं थी, बल्कि लोग बहुत प्रभावित हुए, हतप्रभ हो गए, यहाँ तक कि सुनीरा कसलीवाल नाम की हमारी मुख्य अतिथि थी, शायद वो दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की HOD और डीन हैं, उन्होंने आके हमसे कहा 2 घंटे के बाद कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे लगा मेरा वहाँ जाना सार्थक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और जब भी कोई आविष्कार होता है तभी वहाँ पे कुछ नई चीज़ें उद्भूत होती है। हमारे पास यहाँ प्रेक्षागृह नहीं है, बड़े लोग बंधन में रहकर काम करते हैं तभी तो अच्छा काम कर पाते हैं। अगर आपको सारी सुविधा मिल ही जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? तो हम लोग इस मामले में लकी हैं और सुविधाओं के बीच में हम लोग रंग भर रहे हैं, हम लोग खंभा खूटा गाड़ने से लेकर दृश्यबंध के निर्माण और सारे काम करते हैं, तभी हम लोग किसी बड़ी जगह पे अच्छे से टिक पाते। भागलपुर में ठंड एवं पछुआ हवा ने जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। 20 दिनों से चल रहे भीषण ठंड की मार से गरीब और निसक्त लोग हलकान एवं परेशान हैं। ठंड की मार से गरीब लोग परेशान ना हो इसलिए जिला प्रशासन द्वारा अलाव एवं कंबल का वितरण किया गया, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। वहीं गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ। प्रत्येक 9 पंचायत में 63 कंबल वितरण किया गया। गोपालपुर की जिशिया देवी ने बताया कि कंबल के बंटवारे में सिर्फ धांधली हुई है, हम लोग बिल्कुल निसहा हैं, रहने को घर भी नहीं है और करीब 7 बार प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा चुके हैं लेकिन हम लोगों को कंबल नहीं दिया गया।
उन्होंने बताया कि कंबल सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बांटा गया है। वहीं कटाव पीड़ित बुद्धू चक के ग्रामीण जो पोलोथीन सीट के सहारे बांध पे रह रहे हैं ने बताया कि एक तो गंगा कटाव के कहर से हम लोग पूरी तरह त्रस्त हैं, वहीं भयानक ठंडी ने जीना दुश्वार कर दिया है। ठंड से बचने को पर्याप्त कपड़ा नहीं है, जो कंबल प्रखंड द्वारा वितरित किया गया वह भी हमें नहीं मिला है। वहीं गोपालपुर कांग्रेस की प्रखंड अध्यक्ष सह वरिष्ठ नेता शंकर सिंह अशोक ने कहा कि जो कंबल इस कड़ाके की ठंड में गरीब एवं निःसक्त लोगों को देना बेहद जरूरी है, लेकिन गोपालपुर प्रखंड में कंबल का सिर्फ बंदरबाट हुआ है। प्रखंड प्रशासन की इस व्यवस्था की जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना कुमारी चौधरी ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में साथ साथ कंबल का वितरण किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? घर गोपालपुर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत पाँच बार के लिए। कहाँ गए पाँच बार? ब्लॉक। किस लिए ब्लॉक गए थे? यही जा रही ठंड के लिए कंबल मिल जाए। कंबल मिल रहा था? हाँ मिल रहा था। पूर्व ब्लॉक दे रहे तो गिबो कर लिए मंगल पर नहीं दिल के। तो किसको मिला कंबल? तो पाँच ढेरी लोग के दल के 15-16 आदमी के सैदपुर ब्लॉक का। अच्छा। मर्दाना के जलानी के दल के। तो आपको क्यों नहीं दिया? हमरा तो कहला लिए कल के आपको घर कहाँ छो के लिए गोपालपुर कल के कि अभी जाइए हमरा काम करने दिए के लिए। कौन बोला आपको? वीडियो साहब। कंबल वितरण का नियम है कि जो गरीब बधिर विकलांग लोगों को जाके स्वतः अपने से प्रखंड विकास पदाधिकारी मुआयना करके उसको दिया जाना। तो पंचायत प्रतिनिधियों को क्यों दिया गया? पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया, इसमें हमको लग रहा है कि कुछ ऐसा किया है जो जनप्रतिनिधि को दिया गया है जो घोर अनियम में था। यही कर पंचायत है 963 पीस कम्बल प्राप्त हुआ है और प्रत्येक पंचायत में 7-7 पीस। हम देखिए पंचायत पंचायत में बहुत सारे लाभुक होते हैं लेकिन 7 पीस ही हम लोगों को आदेश में और मिला भी है, आपूर्ति भी हुआ है 7-7 पीस ही, तो उस हिसाब से ही हम लोग वितरण किए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद स्वामी परमहंस जी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर आयशा सहित अन्य संगठनों के लोग ने स्टेशन चौक पर परमहंस जी महाराज के दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और परमहंस जी महाराज का पुतला दहन किया। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कृषि मंत्री की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है वो किसी भी साधु संन्यासी को शोभा नहीं देता और इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में आयशा और अन्य पार्टियों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मेरा ये कार्यक्रम करने का है कि हम संसद से सड़क से संसद तक मनुवाद के खिलाफ में और संविधान के पक्ष में संघर्ष करने के लिए हैं। जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और मनुवादी विचारधारा रखने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनसे मनुवादियों का मनोबल बढ़ता है और धर्म मूल निवासियों का मनोबल घटता है। इसलिए मनुवादी ग्रंथों से जितने भी 6743 जो मूल निवासी जाति के लोग हैं इनके विपक्ष में इनके अपमान में जो भी शब्द कहा जाता है वह घोर निंदनीय है। तो ये किस चीज़ के लिए है? हम लोग बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं उनके पक्ष में समर्थन में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने जो आईना दिखाने का काम किया, SC OBC को जो गाली दिया गया है, गाली दिया जाता है सारे धर्म ग्रंथों में, इसे नीच माना जाता है। जब आईना इन्हें दिखाया जाता है तो ब्राह्मणवादियों के जो है उनको आस्था पर चोट पहुँचती है। सारे ग्रंथ में जो है ब्राह्मणवादियों ने जो गाली दिया गया है शूद्र को, SC OBC को, और ये अब हमारे महापुरुष या हम लोग बहुजन बर्दाश्त नहीं करें और इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा जहाँ थोक होगा समर्थन में हम लोग आंदोलन करेंगे। हम जब तक उन्हें फांसी ना होती है, जीभ काटने का जो फरमान जारी किया गया ये सरासर गलत है, उस पर CBI जांच हो, उसका ED जांच हो और उस पर मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद उसे फांसी की सजा दी जाए। का जो कार्य किया गया, जो संत जीभ काटने का आह्वान करता हो वह संत नहीं हो सकता है, संत वही होता है जो जान देता है। साहब आज इन्होंने कहा 10 करोड़ रुपया देंगे, उस संत से पूछा जाए कि 10 करोड़ रुपया कहाँ से लाए हैं और उसको सजा दिया जाए और हमारे पिछली जाति को जो रामायण के जो चौपाल है चौपाई है जिसमें कहा है कि ढोर कमार ये सब जो है ताल के अधिकारी हैं और शूद्रों को शिक्षा देने से वो सब विष के समान पैदा होगा, ऐसी हरकत ऐसे बयानबाजी को बंद करे, इस अध्याय को बदला जाए। ये सब विधान वो कहते हैं मानस नहीं होनी चाहिए।
तो इसके इसके लिए आप लोग लगातार अनशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या इसका निराकरण निकला है? निराकरण निकलेगा, एक दिन माता जी नहीं मिलती है। अंग्रेजों का शासन था, चलता रहा, एक दिन हम जीते फतह किए, लड़ाई थे तो सतत चलते रहता है। मेरे कारण ये कहा, चलते रहो, पाठ पढ़ पढ़ते रहो, जब तक पढ़ो अब मंजिल नहीं प्राप्त करे। हम लोग लगे हुए हैं इस विचारधारा को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने, यहाँ सब समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा के साथ हम रहना चाहते हैं, यह चाहते हैं। संविधान जो है उसके अनुसार चलने के लिए हम प्रेरित करते हैं सबको। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो दुनिया के आइकॉन दिया है, उस पर हम लोग चलें, उस पर बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ उसके अभिराज में ये संत जो गुंडा संत है, वो जो बयान दिए हैं, वो कहीं से संत दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पूरा गुंडा मवाली उसका पूरा इतिहास है, गुंडा मवाली का इतिहास है, बलात्कारी रहती थी उसका, देख लीजिएगा। ये कहीं से संत, संत को तो मंदिर में पूजा पाठ करने ध्यान देना चाहिए। तो ये राजनीतिक में तो इसको आना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह से बयान दिया गया है, आप सोच सकते हैं, हमारे बहुजन समाज के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रहते हुए और उसका जीभ काटने की ये संत बात करते हैं, ये कितना घोर अपराध बात करते हैं कि हम लोग को आप दिखा रहे हैं कि बहुजन समाज तुम्हारा वो औकात है। तो ये हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बहुजन समाज जग गया है, बहुजन समाज जगा हुआ है, और ये खुली चुनौती देते हैं संत महाशय को। अगर उनका हिम्मत है, करेजा है, तो आके खुद काट के दिखाएं ये जीभ काटने का, तो हम उनको बता देंगे बहुजन समाज क्या है। और सरकार से और केंद्र सरकार बिहार सरकार से मांग करते हैं, बहुजन समाज के प्रति जो मनुस्मृति या रामचरितमानस में जिस तरह से नफरत भरी बातें लिखी गई है, उसको हटाए। और हम लोग मांग करते हैं कि मंत जो परमहंस का जो है, उनको जेल भेजकर उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसका पूरा बायोडाटा खंगाला जाए, वो क्या है पूरा, जो आज संत का जो चोला पहन के घूम रहे हैं, अपराधी वाला बयान दे रहे हैं।